सियासी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की। दरअसल मोहन यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक में जो पहला फैसला लिया वो फैसला ये है कि वहां पर भी जो साउंड लाउडस्पीकर की जो आवाज़ है उसको कम किया जाएगा और साथ में ही खुले में मीट की बिक्री नहीं हो सकेगी। हालांकि इसको लेकर अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। और इस पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं हजरतगंज पहुँचा हूँ, दारुल शफा जो पुराना विधायक निवास है, और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपने खबर सुनी होगी मोहन यादव जो पुराने संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, उनका पहला फैसला है कि वहाँ भी लाउडस्पीकर पर नियंत्रण लगाई जाएगी और साथ में खुले मीट की बिक्री वहाँ पर भी नहीं होगी। क्या मानते हैं कि योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, योगी मॉडल नहीं, ये तो सनातन का और उसका यही था हिंदुस्तान का कि हम यहाँ पे जो खुले में जो अव्यवस्था फैला रखी थी उसको उन्होंने सख्त आदेश किया है कि भाई खुले पे नहीं बिकेगी। और ये लाउड स्पीकर जो ध्वनि प्रदूषण 4 बजे सुबह हो जाता था, 5 बजे के तुम चिल्ला रहे तो बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए उनको ये इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा थोड़ी उन्होंने कोई गलत थोड़ी किया है, उन्होंने यही कहा आप करिए अपना, कोई बंद कमरे में कर सकते हैं आप करिए, कोई ज़रूरी चिल्ला करके आप हल्ला उठाएं सुबह सुबह, कोई अब हो सकता है आप उस समाज से हो लेकिन दूसरा ना हो, उस बगल में रह रहा हो तो उसके लिए डिस्टर्ब मत करिए, आप अपना कार्यक्रम अपना आप ईश्वर की आप प्रार्थना कर रहे हैं तो करिए। आप चर्चा इसलिए हो रही है कि इससे पहले भी योगी मॉडल को कई राज्यों में फॉलो किया गया, तो आपको लगता है कि जो योगी मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और ऐसे कानूनों को लेकर वो हिट है दूसरे राज्यों में? बिल्कुल, ये पूरे देश की मांग है, पूरे देश में ये होने, अब देश के विदेशों में भी मांग योगी मॉडल की होने लगी, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास के ऊपर ये सरकार बनी है तो सबको साथ लेकर ही चलेगी, इसमें कोई अनर्गल नहीं कर पाएगा। जैसे कि पहले होता था कि तुम बीजा दे रहे हो, तुम उनके मंदिर वो मस्जिद बनवाए दे रहे हो, उनका कब्रिस्तान बनवाए दे रहे हो हिंदुओं को, कोई नहीं तो नहीं, उनको सबको साथ सबका मिलेगा, सबका काम होगा, सबका ऐसा नहीं कोई मॉडल वो नहीं, योगी जी ने जो किया है उसी का अनुसरण करके वो वहाँ पे कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, जनता को कम से कम उससे राहत मिलनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार जो आतंकवाद जो इस तरह की अराजकता थी उससे राहत मिलनी चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कोई मॉडल नहीं होता, जिस चीज से जनता को राहत मिले वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसलिए वो वहाँ पे मोहन यादव ने कोई गलत नहीं किया, वो सही किया है। तो देखिए मोहन यादव के इस फैसले की इसलिए भी चर्चा हो रही है कि कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लागू किया गया था कि यहाँ पर लाउडस्पीकर की जो आवाज़ है उसको नियंत्रित की जाएगी, खुले में मीट की बिक्री नहीं होगी जब कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो क्या माना जाए कि उसी राह पर अब मोहन यादव चल रहे हैं योगी मॉडल को फॉलो? देखिए कोई भी बढ़िया काम होता है किसी प्रदेश में होता है तो उसका अनुसरण किया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए अगर आवाज़ कम कर रहे हैं जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है, वहाँ भी कम हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, और खुले में लोग जा रहे हैं रोड के किनारे मीट बिक रही है, अवैध बिक रही है, तो उसको तो बंद कर देना ही चाहिए ना, उसको चलने क्यों दें, चलना है तो लाइसेंस बनवा के चलाओ, भीतर रखो, दुकान में रखो, रोड पर खुला में नहीं, खुला में ऐसे काट रहे हैं, हम नहीं खाते हैं, देखेंगे हमको क्या हाल होगी, आप बताओ, यही हाल है। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि ये मॉडल लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए दूसरे राज्यों में भी इसको फॉलो किया जा रहा है। वो तो जहां पसंद आएगा, आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी बुलडोजर चल रहा है, अवैध पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो तो जहां की जो अच्छी परंपरा होगी वो चलेगा हर जगह। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से मोहन यादव ने फैसला लिया, जो चूंकि अभी हाल ही मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी लाउडस्पीकर की आवाज़ पर पाबंदी लगाई जाएगी, अनियंत्रित नहीं हो सकेंगे? मैं स्वागत करता हूँ इसका, मगर फिर कहीं इस जाति को टारगेट तो नहीं किया जाएगा कि अजान को ही टारगेट किया जाएगा? मंदिरों में भी 4-4 बजे तक घंटे, और इतनी ज़ोर से, मैं चारबाग निवासी हूँ, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से घंटे बजते हैं 4 बजे, कभी आइए अगर अजान से कहीं ज़्यादा उनका मीटर ना दिखा दूँ, वहाँ पर जो अजान है उससे 4 गुना 10 गुना आवाज़ मैं आपको चारबाग में मंदिर में शिव मंदिर में दिखा सकता हूँ, तो मुझे ये लगता कि टारगेट सिर्फ मुसलमान किए जाएंगे या कोई और कौम की जाएगी, या मंदिरों पर भी इस पर पाबंदी लगेगी। यादव जी तो आ गए मुख्यमंत्री बन के, अब ये बाबा बुलडोजर भी हो जाएंगे थोड़े दिन में, तो देखेंगे ऐसी सरकारें हमारे देश में आ रही हैं कि लोकतंत्र से विश्वास ही अटता जा रहा है। एक जाति को टारगेट करके आप उसको बंद करने की बात करेंगे और दूसरे को उसके लिए कहेंगे कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है।
कुछ लोग लैया चना खा रहे हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए। अपना क्या नाम है आपका? अरविंद तिवारी। अरविंद जी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, हालांकि वो पुराने संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने जो पहला फैसला लिया, वो फैसला उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले लिया गया था लाउडस्पीकर को लेकर। कहा जा रहा है कि योगी मॉडल को वहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए और ऐसे पूरे प्रदेश में होना चाहिए। ये तो अभी स्टार्टिंग है ना, यूपी से स्टार्ट हुआ, एमपी में गया, एमपी के आगे राजस्थान में, धीरे धीरे ऐसे बढ़ना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए इस चीज़ को। लाउड स्पीकर तो बंद ही कर देना चाहिए, एकदम इसलिए बंद कर देना चाहिए, जब हमारा मंदिर में बजता है तो उनको दिक्कत होने लगे, कहीं कि देखने अब न्यूज में आने लगा कि उनको दिक्कत होती है तो हमको भी उनसे दिक्कत है। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं बजना चाहिए। आप अपने धर्म को मानते हो, अपने अंदर मस्जिद के अंदर अपना नमाज पढ़िए, कुछ भी कीजिए, बाहर तक सुनाई ना पड़े। हम लोग करते हैं अंदर पूजा पाठ करते हैं तो अंदर ही रहता, बाहर तक नहीं सुनाई पड़ता है। तो उसी तरह उनका भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो शुरू से 70 साल से कांग्रेस चलाई चली आ रही है, कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये सब कुछ जो हो रहा था ये सब कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहा था और कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही थी, और कांग्रेस को ये तकलीफ होगा। चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, कोरोना काल में यूपी में जो किया गया सरकार की तरफ से उसकी बात हो, स्लॉटर हाउस को बंद करने की बात हो, खुले में मांस की बिक्री पर रोक की बात हो, कई राज्यों ने इसको फॉलो किया, तो क्या माना जाए कि जो योगी मॉडल था वो हिट रहा, दूसरे राज्यों में भी हिट हो रहा है? उनसे ज़्यादा होना चाहिए, अगर यही फॉलो किया जा रहा है तब तो कम है समझो, इससे ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्टिंग तो यहाँ से हो गई, अब इससे ज़्यादा अगर दूसरे राज्य होगा तो अच्छा होगा ना। खुले में जो मीट बेच रहे हैं, जिसको आने जाने में दिक्कत हो रही है भाई, उससे प्रदूषण भी होता है आने जाने में, कहीं हम मंदिर जा रहे हैं पता चल रहा है रोड पर मीट काट रहे हैं, राजस्थान में कई जगह ऐसे अभी दिखाया गया है, तो ये सब तो बंद होना चाहिए ना। जो गलत तरीके से चल रहे हैं उनको बंद होना चाहिए, जो है सरकारी है, जैसे हाउस चल रहे हैं सरकारी हो अपना कीजिए, अंदर कीजिए, लेकिन बाहर रोड पे तो ना कीजिए सब चीज़, ये सब चीज़ से दिक्कत है। अपना नाम बता दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह, के से। के जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आपने देखा कि जब यहाँ बुलडोजर चलता था तो दूसरे राज्यों ने भी उसको फॉलो किया, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलाया गया, कई और राज्यों में भी चलाया गया, तो क्या माना जाए कि जो यूपी का योगी मॉडल है वो दूसरे राज्यों में भी हिट हो रहा है? ये तो बात सत्य है कि योगी जी ने इस चीज़ का जो है शुरुआत किया, जिसे किया उन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी बाजू से उन्होंने क्या, ये काम बहुत पहले भी होना चाहिए था, लेकिन यह है कि इसको करने के लिए उस मुख्यमंत्री की अति आवश्यकता है जो मतलब अपने आप को सक्षम होता है। होता है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रदेश में ऐसे हैं जो दबाव में काम करते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध भी काम करते हैं, लेकिन उन्होंने इसको समझा कि हमारे लिए नैतिकता है, नैतिकता के आधार पर ही होना चाहिए, किसी भी दल, किसी भी सरकार, किसी का भी हो, नियमों का पालन करना चाहिए, उसको सही सलामत करना, नियमों का पालन होना चाहिए। तो एक आखिरी मैं आंसर लूँगा आपसे, नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव और उन्होंने जो फैसले लिए वो कहीं ना कहीं जो योगी मॉडल था, योगी मॉडल से प्रभावित दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो सोचा कि बहुत कोई बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने ले लिया है, जिस फैसले में हमारे प्रदेश और देश के नौजवानों को रोजगार मिलने जा रहा है, उनको सरकारी नौकरियां मिलने जा रही है, कोई बहुत बड़ा उद्योग का स्थापना करने जा रहे हैं। अरे बकवास को बंद करो, जो ये शुद्ध रूप का बकवास है कि मिट ना बिके, 10 साल से आपकी सरकार है, आप शराब और मिट को सब लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए, आप बंद तो क्यों नहीं कराया आपने, किसने, आप तो डबल टेकर की सरकार चला रहे थे, क्यों नहीं अब तक का आपने शराब और मीट को बंद कराया? योगी मॉडल की तर्ज पर ये फैसले लिए गए, हालांकि लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन सच ये भी है कि कहीं ना कहीं इन फैसलों के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मोहन यादव ने एक बड़ा सियासी मैसेज देने का काम भी किया है। देश में कभी बात गुजरात के मोदी मॉडल की जाती थी, लेकिन आज बात की जा रही है देश में उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की। मध्य प्रदेश में जब सीएम मोहन यादव ने पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद दो ऐसे फैसले लागू किए जिसके बाद अब बात मोदी नहीं योगी के मॉडल की जा रही है, और योगी मॉडल के तहत ही वहाँ पर मांस पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही साथ लाउड स्पीकर पर तेज़ आवाज़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
कानपुर में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं कि क्या अब योगी मॉडल जीत की गारंटी बन चुका है। कुछ लोग हमसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से योगी मॉडल की बात की जा रही है, मांस पर प्रतिबंध, इसके अलावा लाउडस्पीकर पर मध्य प्रदेश में जैसा किया गया, क्या लगता है? ये बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन इसके साथ में मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम है उसको लेते हुए ये जो लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये पूरे सभी समाजों के ऊपर लगाया जाए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं भी सामाजिक संगठन अगर कोई प्रोग्राम करता है विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं होना चाहिए। और जो ये शाकाहारी का किया है इन्होंने तीर्थ स्थानों पे ख़ास तौर से, इसको प्रतिबंधित होना ही चाहिए। क्या लगता है कि अब जो योगी मॉडल है वो जीत की गारंटी बन गया है? योगी ने एक ऐसा दिखा दिया है, योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि एक विश्वास अपराध ख़त्म किया, यूपी से अपराध ख़त्म हुआ, ऐसे ही उम्मीद की जा रही एमपी से भी होगा, राजस्थान से भी होगा, सबका साथ सबका विकास। क्या क्या कुछ प्रमुख है योगी मॉडल में, योगी जी ने क्या खास किया जिसकी वजह से अब तमाम जो दूसरे सीएम हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं? अपराध पे नियंत्रण किया, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण किया, और जो भी गलत पूर्व सरकारों की नीतियाँ थी उनको ख़त्म किया और कड़ाई से लागू किया। इस वजह से जो है योगी मॉडल जनता का एक सबसे पसंदीदा मॉडल बन चुका है। ये लोगों के दिमाग में आ गया है कि इस तरह हम सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, और बाहर के लोगों ने, अन्य प्रदेशों में लोगों ने देखा कि यूपी में इतना बड़ा माफिया, इतने बड़े लोग सब जो है कंट्रोल कर लिए गए, अगर योगी मॉडल यहाँ भी लागू हो जाए, उस ललक में जो है अन्य जगह जीतें हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलेगा योगी के मॉडल का, आपको लगता है? योगी जी आज, पहले लोग कहते थे एक नाम चला अंधा कानून, अब लोग कह रहे हैं कि कानून देख रहा है, ये फैक्टर आया। दूसरा, जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति इस तरह का है तो उसको संपत्ति से और चीज़ों से जो बेदखल किया, इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिला, तो आज अपराध करने के लिए आदमी सोचने में भी सोचता है। तीसरा, जो माताएं बहनें हमारी सुरक्षित हो रही हैं और लोगों में ये एक भाव पैदा हो रहा है कि नहीं, इस सरकार में हमारा उत्पीड़न नहीं हो पा रहा है, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है, एक जनमानस में संदेश है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबके साथ में बुजुर्ग उनके साथ है, सबके विकास में युवा आज उत्साहित है, और सबके विश्वास में माननीय मोदी जी की गारंटी। क्या लगता है जीत की गारंटी बन गया है योगी मॉडल? बिल्कुल बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी बेस्ट हैं, उनके बराबर कोई नेता कभी ना हुआ है ना होगा यूपी में खासकर। अब तभी यूपी का जो मॉडल है पूरे देश में तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके से लागू किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और योगी जी के पद चिन्हों पर बहुत सीएम चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी ने एक अच्छा काम किया, जो स्पीकरों में रोक लगाई है, जो मस्जिदों में या मंदिरों में जो तेज़ आवाज़ में होती है इसमें थोड़ा रोक लगाई है। यादव जी ने भी वहाँ आते ही ये काम किया है मध्य प्रदेश में, तो ये यहाँ पर भी होना चाहिए। रात रात में उठ के यहाँ जागरण में लोग हल्ला मचाते हैं, ये कस कस के स्पीकर जो होते हैं उसमें थोड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। किसी के घर में किसी की तबीयत ख़राब है या पढ़ाई लिखाई होती है उसमें थोड़ा सा और देखना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा है योगी जी का राज्य में, बहुत अच्छा। योगी जी के तरीके एमपी में भी उसी तरीके से जो सीएम है चल निकले हैं, और क्या लग रहा है कि बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव है उसमें योगी मॉडल का फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, सबसे पहले ये होता है कि जनता क्या चाहती है, जनता के हित के लिए क्या हम लोग सोचते हैं। योगी जी से लोगों को सीख लेनी चाहिए, सीएम हो तो कैसा हो। उत्तर प्रदेश में इतिहास रख दिया है योगी जी ने, अब पूरे भारतवर्ष में मतलब जो सीएम होता है ना वो योगी जैसा होना चाहिए, ये मतलब योगी जी ने सिखाया है, लोगों को सीख दी है। कुछ सालों पहले तक मोदी मॉडल की बात की जाती थी, गुजरात की बात की जाती थी, लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की जा रही, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप लोग? फ़र्क तो सीधे सीधे है कि लोगों में जब से योगी जी सीएम बने हैं तो एक लोगों के अंदर जीने का एक आत्मविश्वास बढ़ा है, और अपराध पे लोगों को सुनी नहीं जाती थी और उस पर एक आत्मविश्वास बढ़ा, बेटियों के लिए, और वे रात में निकलना दूभर था, तो कम से कम उसमें एक जब पब्लिक में एक आत्मविश्वास बढ़ा तो उसकी वजह से एक डिमांड हुई कि नहीं, योगी जी का जो मॉडल है वो अन्य प्रदेशों में भी होना चाहिए। और अन्य प्रदेशों से जो डिमांड भी आई कि हमारे यहाँ जो
कमियां हो रही हैं, अगर वो मॉडल हमें योगी जी का अगर यहाँ भी लागू हो जाए तो कम से कम हमारा विकास होगा।